यूपी के बुलंदशहर में चकबंदी कार्य चल रहा है। इसी चकबंदी की आड़ में किसान दिगंबर से 20,000 की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो और लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सर, एंटी करप्शन टीम ने आज एक लेखपाल और कानूनगो को पकड़ा है। सर, क्या पूरा मामला है? सर, ये श्री दिगंबर सिंह है, याकूबपुर गाँव के, थाना सलेमपुर के। उन्होंने हमारे मेरठ इकाई कार्यालय को ये सूचना दी कि मेरे चकबंदी में थे उनको जो है सही करने के संबंध में उप चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश भी कर दिया गया था, किंतु उसके बावजूद मेरे जो है चक सही नहीं हो रहे थे और उसमें अंतिम संदर्भ बनना था जिसको लेखपाल कानून वो लेखपाल मनोज कुमार और चकबंदीकर्ता कानून वो अनिल कुमार द्वारा तैयार किया जाना था, जिसके लिए वो अनेक बार इनसे मिला, किंतु उन्होंने जो है इसके बदले 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की। कौन थे दोनों? ये मनोज कुमार लेखपाल और चकबंदी कर्ता जिसे कानून वो कहते हैं, चकबंदी कानून वो अनिल कुमार। सर, कितनी धनराशि इनसे? 20,000 रुपये। तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया? सर, रंगे हाथों पकड़ा गया, मेरठ टीम की इकाई द्वारा रंगे हाथों इनको जो गिरफ्तार किया गया और 20,000 रुपये बरामद की गई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, थैंक यू सर। दिगंबर सिंह, क्या हुआ था? पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है जी कि चकबंदी गांव में चल रही है, लेखपाल मनोज कुमार, कानून गो अनिल कुमार, इनके द्वारा संदर्भ ठीक करने के मुझ पे थे 1,00,000 रुपया मांगे, जो कि पहले भी दे चुका, 20,000 मैंने हाथ दे दिए। अच्छा, रंगे हाथों पकड़ी गई टीम द्वारा। किसने पकड़ा रंगे हाथों? रंगे हाथन ये टीम है, मेरठ से आई एंटी कंडीशन टीम। आपने क्या शिकायत करी थी? मैंने शिकायत ये करी जी मेरा संदर्भ सुधारने के लिए 1,00,000 रुपया मांगा जा रहा है। और कितने पैसे लेते रंगे हाथों पकड़े गए? हाँ जी, रंगे हाथों। कितने पैसे लेते पकड़े गए? 20,000 रुपये लेते हुए।